लक्ष्मी यक्षिणी की चर्चा करने जा रहे हैं। इसे बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग माना जाता है। इनकी साधना करने वाला हमेशा भाग्यशाली माना जाता है। हम अपने जीवन में बहुत सी तकलीफें उठाते हैं, हर तरह की समस्या का सामना करते हुए अपने परिवार को सुखमय जीवन देते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं, आर्थिक समस्या, कर्ज, बीमारी, व्यवसाय में नुकसान, नौकरी में नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो आपको हर तरीके से सुख शांति रिद्धि सिद्धि के लिए ये साधना में भाग लेना चाहिए। और इस साधना में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां पर आप उपस्थित रहकर या ऑनलाइन रहकर भी आप भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या UPI से दान कर सकते हैं, और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक सामान्य प्रयोग चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि किसी के घर पे या ऑफिस में कोई चीज लटकती हुई आपने देखा होगा, और वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो अध्यात्म को मानने वाला हो नहीं मानने वाला हो, लेकिन आपने उनके घरों में भी देखा होगा कि उनके घर में या ऑफिस में कोई कपड़े में बंधी हुई चीजें होती हैं जो लटकी हुई रहती हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं, और ऐसा प्रयोग क्यों होता है, क्यों करते हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है, ये प्रयोग करने से ये अर्थ होता है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, आपके ऑफिस में प्रवेश नहीं करेगी, जहां पर भी उस चीज को आप रखते हो वहां पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन जो लोग रखते हैं वो सामान्य चीजें होती हैं जो अपनी श्रद्धा के हिसाब से रख देते हैं, लेकिन उसमें कुछ विधि करके, कुछ प्रयोग करके उसकी पावर को बढ़ा के अगर आप रखें तो कितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो उसे दूर किया जा सकता है, उसे निकाला जा सकता है। बल्कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा ऐसी जगह पर नहीं आती, कुछ नकारात्मक ऊर्जा है वो ऐसी जगह पर नहीं आती। आपने देखा होगा कीड़े मकोड़ों की कुछ सफ़ेद सफ़ेद गोलियां आती हैं, वो हम अपने बिस्तर में रखते हैं, कहीं आसपास रख देते हैं, तो उनके सुगंध से कीड़े मकोड़े नहीं आते। उसी तरह की वो चीज़ें होती हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा है जो सामान्य आंखों से हम देख नहीं सकते, ना उनकी स्मेल को हम महसूस कर सकते हैं, तो लेकिन जो वो चीज़ें रखी जाती हैं उन नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में, अपने दायरे में, अपने सराउंडिंग, जहां तक उनकी एक एरिया माना जाता है, उस जगह पर वो प्रवेश करने नहीं देती। इसलिए उनको घर के दरवाजे पर रखा जाता है या ऑफिस के दरवाजे पर रखा जाता है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कहने का मतलब है, करना क्या है। तो वहाँ पर एक चीज़ होता है, एक काला कपड़ा या लाल कपड़ा, करीब करीब एक मीटर का होना चाहिए। एक मीटर का इतना बड़ा होता है, एक मीटर का जो इतना बड़ा होता है, तो वो आप देख लें, काला कपड़ा या लाल कपड़ा, इसको आप ले लें, अपने सामने बिछा लें। उसके ऊपर एक नारियल रखें, छोटा सा, जो पूजा का नारियल आता है जो देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, आपने देखा होगा मुंबई साइड में, बाकी दूसरी साइड में बड़े वाले नारियल आते हैं, नहीं, छिले वाले छोटे नारियल जो होते हैं, नारियल, वो आप रखें। वो रखने के बाद 1 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का रखें, धातु भी होनी चाहिए उसके साथ में, ठीक है। ये रखने के साथ में आप सिंपल एक लोहे का टुकड़ा, से रिपीट करता हूँ, एक नारियल रखें, 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का रखें उस कपड़े के ऊपर, हल्दी का एक टुकड़ा रखें, 3 लौंग रखें, अगर आपके पास कौड़ी है तो कोई भी कौड़ी, पीली कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी, वो रखें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एक नारियल, हल्दी का टुकड़ा, 3 लौंग, 1 रुपये का सिक्का और एक लोहे का टुकड़ा, अगर आपके पास कौड़ी है तो कोई भी कौड़ी, पीली कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी, वो रखें। ये चीज़ें उसमें आप रख लो। ये रखने के बाद आप सेम तरीके से मुद्रा बना लो। मुद्रा बनाने के बाद आप आंख बंद कर लो, 10 बार आप प्राणायाम करो, यानी मुद्रा बनाने के बाद हाथ मैंने ऐसे रखे हैं, आपको नीचे रख लेने हैं। नीचे रखने के बाद 10 बार प्राणायाम करो। 10 बार प्राणायाम करने के बाद, प्राणायाम मतलब
जोर से सांस खींचो, रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो, फिर जोर से खींचो। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करो। 10 बार प्राणायाम करने के बाद एक विशेष प्रकार का मंत्र, और वो मंत्र है ओम ऐं श्रीं क्रीं ग्लौं अघोर लक्ष्मे फट, ओम ऐं श्रीं क्रीं ग्लौं अघोर लक्ष्मे फट, ओम ऐं श्रीं क्रीं ग्लौं अघोर लक्ष्मे फट, ओम ऐं श्रीं क्रीं ग्लौं अघोर लक्ष्मे फट। इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ऐं श्रीं क्रीं ग्लौं अघोर लक्ष्मे फट, ओम ऐं श्रीं क्रीं ग्लौं अघोर लक्ष्मे फट। इस मंत्र का उपांशी जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। ये मुद्रा लगाकर बिना माला के इस मंत्र का 10 मिनट तक मंत्र का जाप करना है। याद रखें, किसी भी शनिवार, किसी भी ग्रहण, किसी भी अमावस्या को ये अभ्यास किया जा सकता है सूरज डूबने के बाद। फिर से कहता हूँ, एक नारियल लाल कपड़े में या काले कपड़े में, छोटा सा नारियल, नारियल के बाद 1 रुपये का सिक्का, 1 हल्दी, 3 लौंग और 1 लोहे का टुकड़ा। अगर आपके पास कौड़ी है तो कोई भी कौड़ी, पीली कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी, वो रखें, ये उसमें रखें। ये रखने के बाद ये मुद्रा लगा के 10 बार प्राणायाम करें। उसके बाद यही मुद्रा लगाकर आप 10 मिनट मंत्र का जाप करें। इसके बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि सभी सामग्री को उस लाल कपड़े में आप बांध लीजिए। लाल कपड़े में उसको बांध के सबसे पहले अपने ऊपर 11 बार घुमाइए, अपने परिवार के ऊपर 11 बार घुमाइए, आपके पास गाड़ी मोटर है तो सबके ऊपर 11-11 बार घुमा लीजिए ऐसा नॉर्मली। तो ये सब करने के बाद फिर आप अपने ऑफिस में या अपने घर में अंदर की तरफ, तो बहुत से लोग बाहर की तरफ भी करते हैं, बहुत से लोग अंदर की तरफ, तो जैसा आपको कंफर्टेबल हो, दरवाजे के ये कोने या वो कोने में, कोई भी कोने में आप उसको लटका दीजिए। बस इतना ही करना है। और ये करने के बाद जैसे कि आप बेफिक्र हो जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ पहले की तुलना में अच्छा होता चला जा रहा है। आपको 2 बनाने हैं, 1 अपने घर के लिए, 1 ऑफिस के लिए, तो आपको 2 मुहूर्त का इंतजार करना पड़ेगा। या तो इसमें मैंने कहा शनिवार ग्रहण अमावस्या, तो इस तरीके से एक शनिवार को कर लो, उसके बाद पहला कोई अमावस्या आ रही है तो उसमें कर लो, या दूसरे शनिवार को कर लो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल होगा। लेकिन एक शनिवार को सिर्फ एक ही प्रयोग करते हैं, 2 नारियल तैयार नहीं करते। दूसरा आपको तैयार करना है तो दूसरे समय पे करो, दूसरे मुहूर्त पे करो। तो ये एक अपने ऑफिस के लिए तैयार कर लो, 1 अपने घर के लिए तैयार करो। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये बहुत बहुत काम में आ रहा है, बल्कि ये जमाने में करना चाहिए। बल्कि आपने, मैंने कहा ना, आपने 90% हिंदुओं के घर में आपने ये चीज़ें, या बहुत लोगों के घर में आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन जो चीज़ें होती हैं तो कोई आपको बताता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन ये प्रयोग करना चाहिए। आपको हक है अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षा के उपाय करना। सुरक्षा मतलब यानी मानसिक सुरक्षा, आध्यात्मिक सुरक्षा, कि जब आदमी आपसे जलीसी करता है तो कोई फिजिकल रूप से नहीं, फिजिकल रूप से तो अच्छे से बात कर रहा है आपसे, अंदरूनी रूप से वो बात करता है, अंतरात्मा से आपके लिए बुरा सोचता है, तो उसकी जो ऊर्जा होती है, उसकी जो तरंग होती है, उसको आप कैसे रोक पाओगे? तो ये जो चीजें होती हैं नकारात्मक ऊर्जा को रोक देती है। देखो, नकारात्मक ऊर्जा आपको, हमें किसी को दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन ये चीजें महसूस कर लेती हैं। जैसे मैंने कहा, एक कुत्ता होता है डॉग, तो इसके अंदर सूंघने की क्षमता मनुष्यों से 1000 गुना ज्यादा है। कपड़े के अंदर आपकी स्मेल लगी है तो कुत्ते को समझ में आ जाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब कोई तो है, कोई तो सुगंध, कोई तो बात है उस कपड़े में जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरीके से जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको उस चीज़ का अनुभव आ जाता है, वे उसे रोक देती हैं। तो ये प्रयोग आप करें, इसका बहुत फायदा होता है। आशा है आपका घर सुरक्षित होगा, आपका ऑफिस सुरक्षित होगा, बल्कि आपको ऐसी जगह भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि जो घर आपका बिक नहीं रहा है, जो जमीन आपकी बिक नहीं रही, वहां पर भी लोग ऐसा करते हैं, इस चीज को लेकर जमीन में गाड़ देते हैं, आपका प्लॉट है वहां पर गाड़ देते हैं, तो भी वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। तो इस तरीके का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, इससे बहुत 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 फायदा होता है। और अगर आपको लाभ मिलता है तो लोगों की बिना स्वार्थ मदद करें। धन्यवाद।